जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षक इस समय उलझे हुए हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास हैं, जिनने अपनी योग्यता अर्जित कर दी है GFMS पोर्टल पर, और अब उनको हटा दिया गया है बहुत सी जगह। दोस्तों, कल एक मैंने लेटर डाला है, जो वीडियो आपने देखी होगी कि प्रमोशन भी हो रहे हैं, कहीं कहीं प्रमोशन हो रहे हैं, और जबकि कहीं कहीं जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश है कि अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त ना किया जाए। लेकिन मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमको तो कार्य मुक्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अतिथि शिक्षकों से मिले और समस्त अतिथि शिक्षकों ने निवेदन किया कि आदरणीय महोदय, आप अनुबंध वाले आदेश करवाइए। तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आदेश सभी हो गए। कल एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि बहुत से भाई शिक्षा मंत्री जी से भी ज्ञापन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी आदेश करवाएं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्दी ही, हमने शिक्षा विभाग को क्लीन चिट यानी सारी डिटेल भेज दी है, अब बाकी आदेश करना है। लेकिन अब आचार संहिता लगने वाली है, और इतने जल्दी क्या आदेश आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जो अतिथि शिक्षक परीक्षा पास हैं, उनका कहना है कि सर हमने जो अपनी योग्यता वो अपडेट कर दी है, अब हमारा क्या होगा, हमको निकाल तो दिया है यानी पद से पृथक कर दिया है, उसके लिए आप कुछ बताइए आखिरकार क्या होगा। भाइयों, परीक्षा पास वाले अतिथि शिक्षक अभी जो प्रमोशन होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ग तीन के पद समस्त खाली हो जाएंगे। वर्ग तीन में जैसे कि 30,000-28,000 प्रमोशन होंगे, उनमें से अगर जो पद रिक्त होंगे और अतिथि शिक्षकों की अब भर्ती होगी, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा वालों के लिए प्राथमिकता रहेगी। अब आप कहेंगे यह कैसे कह रहे हैं, ये प्रमाण मिल रहे हैं, अनुमान प्रमाण है, कुछ सांकेतिक जानकारी है दोस्तों, क्योंकि आप ये तो जान सकते हैं अगर पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी है तो वो पूरे नियम में आता है, शिक्षक की समस्त योग्यताएं रखता है। इसलिए अब जो अतिथि शिक्षक बनेंगे, ये पहले से जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नए अतिथि शिक्षक बनेंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा दोस्तों। और विभागीय परीक्षा का अपडेट, समस्त अतिथि शिक्षकों का कहना है कि विभागीय परीक्षा कब होगी सर, तो आप चुनाव आ गए हैं, अभी तो विभागीय परीक्षा नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन होगी जरूर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा। अब चुनाव के बाद में सब काम पेंडिंग हो जाता है दोस्तों, बैटिंग में चला जाता है, आखिरकार चुनाव के बाद ही अब कुछ हो सकता है। बाकी अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षक जो वेतन को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, कार्यालय आयुक्त जनजातीय विभाग के अतिथि शिक्षकों का कहना है सर हमारा तो आदेश नहीं आया है वेतन डबल का, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आ जाएगा, आप शांति रखिए, इसको लेकर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। लेकिन जो भाई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है और ज़रूर अच्छा होगा। बाकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं है, जिनके पास में 5 से 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, वो विभागीय परीक्षा के पात्र होंगे दोस्तों। अब बढ़ा हुआ वेतन, कई जगह सितंबर के बिल लगे हुए हैं संकुलों में। अब जो आदेश जारी किया है लोक शिक्षण संचालनालय ने, उसमें यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि अतिथि शिक्षकों को जो बढ़ा हुआ वेतन है वो कब से मिलेगा। इसको लेकर मैंने कल बाबूजी से भी बात की थी, सर कब से मिलेगा, तो उन्होंने अक्टूबर का बताया कि अक्टूबर से दिया जाएगा बढ़ा हुआ वेतन। बहुत से भाई कमेंट्स करके सितंबर का भी बोल रहे हैं, और आखिरकार अभी हमारे संकुल में तो बिल नहीं लगे हैं। और आप लोग अगर यह कंफर्म करना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन किस तारीख से दिया जाएगा, तो आप DPI के लिए मेल भी कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में मेल करें, dpi.atithi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। और एक बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ, बहुत से अतिथि शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, एक भाई मुझे मिले थे, बोल रहे थे सर क्या वेतन उनको ही मिलेगा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
और समस्त अतिथि शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं उनका वेतन बढ़ा हुआ उनको मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी आपके स्कोर कार्ड में अपडेट हो चुकी है। बाकी वो कैसे देखते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन मैं कल से खोल के देख रहा हूं पोर्टल, लॉग ऑन नहीं हो रही है, लॉग ऑन को नहीं कर पा रहा हूं, कुछ टेक्निकल एरर और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रही है। बाकी मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक वर्ग 3 में अब जो भर्ती होगी उनके लिए पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो अभी प्रमोशन के कारण बाहर होंगे, जिनको अतिशेष मान रही है सरकार कि आप अतिशेष में आ गए हैं, तो वहाँ पर, क्योंकि अगर ए कंडीशन देखें, अगर सेम कंडीशन इसकी तुलना करते हैं तो वैसे अगर सरकार चाहे तो एक भी अतिथि शिक्षक नहीं हट सकता। वो आप कहेंगे कैसे नहीं हट सकता, क्योंकि वर्ग 3 के समस्त पद खाली हो जाएंगे। वो टीचर आ रहा है, वो भी रिक्त पद पर ही काम कर रहा था, नियमित टीचर, और प्रमोशन से लेकर अतिथि शिक्षक को हटा रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षक की व्यवस्था भी उधर करनी चाहिए। अब यह कैसा होगा, यह इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी मांगी गई है, अगर सरकार चाहे तो इनको वर्ग 3 में कनेक्टेड कर सकती है दोस्तों। बाकी जो भी नए अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा भाइयों। और ट्राइबल विभाग के अतिथि शिक्षकों को लेकर एक वीडियो मैं ला रहा हूं, जिसमें समस्त स्पष्टीकरण दूंगा। जो मैंने लिस्ट डाली थी वो प्रमोशन वाली लिस्ट नहीं, उसमें वैकेंसी बताई गई हैं और जो टीचर सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी उसमें दिख रहा है। बाकी भाइयों आप सभी कैसे हैं ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी।